हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान, स्वागत है आपका कैन आई टीच यू में। जैसा कि आपकी डिमांड पर मैंने फिजिक्स का आज फर्स्ट लेक्चर हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लाइट हिंदी में पढ़ने वाले होंगे और आगे के वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि हमारा स्टडी पैटर्न क्या होने वाला है, ताकि साइंस में हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें और बेहतरीन नॉलेज हासिल कर सकें। तो देखते हैं लाइट किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए, पहली हेडिंग है लाइट यानी कि प्रकाश और दूसरी हेडिंग है प्रकाश के गुण। तो हम लोग इसे देखने वाले होंगे। पहले देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग अंधेरे में रखी वस्तुओं को देख पाते हैं, या एक चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं परंतु स्वयं यह अदृश्य होता है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश को थोड़ा। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा यानी कि जो किरणों के रूप में चलती है उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, विकिरण ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु अंधेरे में रखी है और हम लोग लाइट का यूज ना करें, ठीक है, या लाइट दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक लाइट और एक कृत्रिम लाइट, तो हम लोग किसी भी लाइट का यूज कर सकते हैं अंधेरे में रखी हुई वस्तु को देखने के लिए। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसे हम लोग आगे एक फिगर के द्वारा सीखेंगे, तो इस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, प्रकाश किस रूप में चलती है, तो ये किस रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें या फिर इस पर अंडरलाइन कर लें। प्रकाश किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और आगे क्या देखें, प्रकाश की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं जबकि यह स्वयं अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते होंगे, जबकि प्रकाश की सहायता से ही हम लोग अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को देख पाते होंगे। इतना क्लियर है, तो चलिए हम लोग प्रकाश की प्रॉपर्टीज देख लेते होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। निर्वात किसे कहते हैं, अब ये भी देख लीजिए, निर्वात क्या होता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड कब होती है, निर्वात में होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश की चाल बताइए, प्रकाश की चाल निर्वात में ना देकर किसी और मीडियम में पूछ ले यानी कि माध्यम में, तो आप क्या करेंगे, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है हम लोगों को, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपको किसी ग्लास में दे देता है कि लाइट इस ग्लास में ट्रायल कर रही है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर लाइट की चाल कितनी होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होगी इस ग्लास में, नहीं, ये चाल सिर्फ और सिर्फ निर्वात में होने वाली है। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड कहाँ पर होती है, निर्वात में, यानी कि हमारा वायुमंडल जो है निर्वात है, जहाँ पर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड चाल होती है लाइट की। अगर अदर मीडियम कोई होगा तो वहाँ 3×10⁸ मीटर पर सेकंड चाल नहीं होगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसे ध्यान देंगे कि चाल निर्वात में पूछा है या किसी और मीडियम में पूछ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया है, प्रकाश किस तरह चलता आएगा, तो प्रकाश किस तरह चलता है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा किसे कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन को, यानी कि एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस तरह चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रकाश की तरंग दैर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर 4000 एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है और 8000 एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है, और इनके बीच का भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे 6650 एंगस्ट्रॉम, 7850 एंगस्ट्रॉम या कुछ भी, ठीक है, 4000 से नीचे नहीं होगी और 8000 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। देखिए, इस 4000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻¹। तो देखिए, अगर एग्जाम में 4000 एंगस्ट्रॉम ना लिखकर इस तरह हो जाए 4×10⁻¹ के फॉर्म में हो जाए, तो क्या ये गलत होगी, ये तरंग दैर्ध्य नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखिए किस तरह से, पहले हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 4000
एंगस्ट्रॉम। देखिए 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा, अब क्या करेंगे हम लोग, 4000 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 4×10³ लिख सकते हैं। जैसे 1000 है, ये मान लीजिए 1000 को हम लोग, 1000 को किस तरह लिख सकते हैं, 10³ और 1000 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000। तो हम लोग 4×10³ लिख रहे हैं और एंगस्ट्रॉम को क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻¹। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻¹ लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, जैसा कि आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इस पर भी एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। देखिए 4×10⁻¹ हो जाएगा, 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे तो क्या आएगा, 4×10⁻¹। अगर एग्जाम में 4000 एंगस्ट्रॉम ना होकर 4×10⁻¹ होगी तो क्या आंसर गलत होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। 4000 एंगस्ट्रॉम को हम लोग 4×10⁻¹ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 8, इसे हम लोग 8 कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 8×10⁻¹ इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, आगे हम लोग और पढ़ते हैंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैंगे। तो देखिए जैसे कि आप ये परिभाषा देख पा रहे हैं और ये उसका फिगर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस डेफिनेशन को ना पढ़कर हम लोग पहले क्या करेंगे, इस फिगर को एनालिसिस करेंगे। देखिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी का एक बहुत बेहतरीन कोट है, 1 picture worth like a 1000 words, यानी कि एक पिक्चर जो है 1000 शब्दों का भार रखती है। तो पहले हम लोग पिक्चर से समझेंगे यानी कि फिगर से समझेंगे, उसके बाद परिभाषा पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है जिस पर एक साइड पॉलिश है और एक साइड चिकना तेल है, एक साइड प्लेन है और एक साइड पॉलिश है। तो और ये पॉलिश किसकी होती है, लेड ऑक्साइड की, रेड कलर की होती है और लेड ऑक्साइड बोलते हैं उसे। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं, एक साइड प्लेन होता है और दूसरी साइड खुरदरा यानी कि इस पर पेंट होता है लेड ऑक्साइड का। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, M1 और M2, इस प्लेन मिरर को क्या नाम दिया है, M1 और M2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर एक लाइट पड़ती है, लाइट एक नहीं पड़ेगी, लाइट तो बंडल्स ऑफ पड़ेंगी, क्यों, लाइट एक एक चलती है क्या, एक एक नहीं चलती है, हम लोग सिर्फ अपनी आसानी के लिए एक लाइट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक लाइट है जो कि प्लेन मिरर पर पड़ रही कुछ एंगल्स पर, जिसे हम लोग क्या करें, एंगल आई। ये एरो बनाने का मकसद ये है कि लाइट इस ओर ट्रैवल कर रही, किस ओर ट्रैवल कर रही है, मिरर की ओर। ठीक है, लाइट इस तरह मिरर पर पड़ेगी, किस पॉइंट पर पड़ रही है, बी पॉइंट पर पड़ रही है, और बी पॉइंट पर पड़ने के बाद देखिए पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यानी कि परावर्तित हो जा रही, टकरा कर वापस लौट जा रही है। जैसे ये एयर से आई थी और कांच पर पड़ी और वापस उसी एयर में लौट गई, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। एक बार और देखिए इसे, एक लाइट थी जो कि प्लेन मिरर पर पड़ी, पड़ने वाली लाइट को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, जो कि लाइट प्लेन मिरर पर पड़ रही है, और इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, जो कि वापस टकराकर लौट रही है। इसे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये वाली क्या होगी, परावर्तित किरण। क्या ये परावर्तित किरण है, जो भी प्लेन मिरर पर पड़ेगी उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, आपतित किरण कह रहे हैं, और जो टकराकर वापस लौट रही है उसे क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे और इसे समझ लेते हैं। ये जो डॉटेड डॉटेड है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, डैश डैश बना हुआ है, ये नॉर्मल होता है, जिस पॉइंट पर आपतित किरण पड़ेगी और जिस पॉइंट पर आपतित किरण पड़ेगी वहां पर परावर्तित किरण वापस लौट आएगी।
और उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक डैश डैश लाइन खींचेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। और एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, नॉर्मल, जो कि उसी पॉइंट पर खींचा जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है, देखिए यह प्रकाश था, एक पॉलिशदार, ये पॉलिशदार है एक साइड, दूसरी साइड क्या है, चिकना तल है। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिर रहा है, चिकने तल पर गिरता है, तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। देखिए ये अधिकांश यानी कि पूरा ही भाग इसका वापस लौट जाता है, इस पर पड़ेगा और देखिए पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, यानी कि जब लाइट इंसिडेंट होती है और वापस टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। इसकी थोड़ी हम लोग और प्रॉपर्टीज देखेंगे और थोड़ी डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अब हम लोग प्रकाश परावर्तन से संबंधित परिभाषा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे। देखिए फिगर में क्या है, ये M1 और M2 एक प्लेन मिरर है जिस पर एक साइड चिकना तल है और दूसरी साइड इस पर लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, लाल कलर की, आपने देखा होगा कांच पर, आपने देखा होगा शीशे पर लाल कलर की परत चढ़ी होती है। तो चलिए देखते हैं, इस AB को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपतित किरण कह रहे हैं। जो भी किरण प्लेन मिरर पर टकराएगी उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो भी किरण प्लेन मिरर से समतल दर्पण से टकराकर वापस लौट जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहे हैं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर गिरती है, क्या कह रहे हैं, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर गिरती है, ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर गिर रही है, ठीक है। तो यह किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यहाँ तक देखते हैं, एक प्लेन मिरर है M1 M2 और एक लाइट रे है, यानी कि प्रकाश की एक किरण है AB जो कि प्लेन मिरर पर पड़ती है और टकराकर वापस लौट जाती है। यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने, दर्पण पर गिरने वाली किरण को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपतित किरण कह रहे हैं। देखिए ये दर्पण पर गिर रही है तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, AB को, तो इस AB को हम लोग आपतित किरण कह रहे हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर भी ये आपतित किरण पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। इस बिंदु पर पड़ रही है ये वाली आपतित किरण, कहाँ पर पड़ रही है, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराकर जब लौटेगी किरण तो क्या कहेंगे हम उसे, परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। और आपतन बिंदु पर बनने वाली लंब रूप रेखा, आपतन बिंदु पर बनने वाली लंब रूप रेखा BN को क्या कह रहे हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु BN को, आपतन बिंदु BN पर बनने वाले लंब को हम लोग, लंब रूप को क्या कह रहे हैं, अभिलंब कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है। तथा टकराकर वापस लौटने वाली किरण को, इस किरण को जो वापस लौट रही है मिरर से टकराकर, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण। एक बार और इसे देख लें जरा, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर गिरती है तो यह किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दर्पण पर गिरने वाली किरण आपतित किरण कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से लंब रूप रेखा BN को, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, आपतन बिंदु ये है, और ये लंब रूप रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं, अभिलंब कह रहे हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जिस कारण हम लोग इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। तथा टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। इस किरण को क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और इस नोट्स को जो मैंने अभी लिखा है इस बोर्ड पर, इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें
और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसे। तो जैसे कि हम लोग ने परावर्तन की परिभाषा देख ली, अब हम लोग देखने वाले हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एक बार फिर से हम लोग फिगर में चलेंगे। M1 और M2 एक प्लेन मिरर है जिस पर एक साइड चिकना तेल है, दूसरी साइड लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है रेड कलर की, ठीक है। और ये आपतित किरण है, जो आपतित किरण AB है जो कि प्लेन मिरर पर पड़ती हैगी, और BC परावर्तित किरण है जो कि टकराकर वापस लौटती है, ठीक है। जैसा कि मैंने लिख रखा है आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, आपतन कोण। तो हम लोग ये बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, इसी से हम लोग आपतन कोण की परिभाषा देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किसे कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण देखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसी तरह परावर्तन कोण देखिए, परावर्तित किरण क्या है, बीसी। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इजी है ना ये, हम लोग फिगर देखकर ही समझ जाएंगे क्या क्या हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। पॉइंट वाइज हम लोग सारी चीज़ें लिखेंगे ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो एक बार फिर से देखिए, अब हम लोग डिफिनेशन जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे ढंग से, और इसे जो है एग्जाम में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और एंगल आई इसे लिख रहे हैं हम लोग। इस साइन का मतलब क्या होता है, एंगल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिर से एंगल और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एंगल आर लिख रहेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे और उसके बाद दर्पण पढ़ने वाले हैं, क्योंकि परावर्तन यहीं तक हम लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने परावर्तन की परिभाषाएं देखी, अब हम लोग परावर्तन के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है, क्या कह रहे हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में, ये कह रहे हैं आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि फिर से हम लोग फिगर में चलेंगे। देखिए फिगर में M1 M2 एक प्लेन मिरर है, कह रहे हैं आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण है, AB को हम लोग क्या कह रहे हैं, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, आपतन बिंदु हम लोग जानते हैं, B पॉइंट जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ठीक है, ये आपतन बिंदु है, आपतित किरण है और आपतन बिंदु, कह रहे हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब BN, लंब रूप रेखा जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, ये और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। तो हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं फिगर में, बिल्कुल एक ही तल में है। ये एक तल है हम लोगों का समतल दर्पण, जिसे हम लोग एक तल कंसिडर कर रहे हैं, जिस पर आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण देखिए एक ही तल पर है और एक ही पॉइंट पर है, ठीक है। अब आगे अगला नियम देखते हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहे हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, क्या कह रहे हैं, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि देखें, जिस एंगल से आपतित किरण प्लेन मिरर पर पड़ेगी उसी एंगल से टकराकर वापस लौट जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 30 एंगल पर ये यहाँ पर पड़ी प्लेन मिरर पर, ठीक है, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कह रहे हैं, और 30 एंगल पर अगर पड़ेगी तो ये कितने एंगल पर निकलेगी, 30 पर ही निकल जाएगी। रिफ्लेक्ट कितने एंगल से होगी, 30 एंगल से। इसका हम लोग एक एग्जांपल भी लेकर देखेंगे, फिलहाल हम लोग इतना समझ लेते हैं कि जिस एंगल पर आपतित किरण पड़ेगी उसी एंगल से टकराकर वापस लौटती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। देखिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं परावर्तन के। जैसा कि हम लोगों ने परावर्तन को अच्छे से पढ़ लिया है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस।
तो जैसे कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम लोग से करते बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, हम लोग ने क्या पढ़ा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जैसे कि हम लोग ने नोट्स में लिखा है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। किस में होती है, निर्वात में चाल होती है ना, कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। ठीक है, कितनी चाल होती है, मीटर पर सेकेंड। तो इस तो इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, कह रहे हैं 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, 3.3×10^8 मीटर पर सेकेंड और 3×10^8 मीटर पर। तो कौन सा सही है ये अपना ऑप्शन, तीसरा वाला सही है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों अलग अलग तल में होते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ाएगा, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, तीनों अलग अलग तल में होते हैं। कुछ भी ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ही तल में होते हैं, यानी कि एक तल में होंगे तभी सही है। ये क्या है, गलत हो गया है। एक तल में होना चाहिए सही होने के लिए, अगर अलग अलग तल में है तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन होगा, गलत है ये, बिल्कुल सिरे से गलत है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 40 डिग्री कोण से गिरती है तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होगा। ये तो बहुत ही ईजी है, हम लोगों ने अभी अभी परावर्तन के नियम में पढ़ा है। देखिए कह रहे हैं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा। अगर हम लोगों को आपतन कोण पता है तो हम लोगों को क्या जरूरत है, ऑलवेज इक्वल होते हैं ना आपतन कोण और परावर्तन कोण, अभी हम लोगों ने पढ़ाएगा। चाहे हम लोगों को परावर्तन कोण भी क्यों ना दिए होते हैं तो हम लोग आपतन कोण निकाल लेते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, आपतन कोण ऑलवेज इक्वल टू परावर्तन कोण, है ना, ये क्या है आ रही है ऑलवेज इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बार फिगर बनाकर हम लोग चेक कर लेते हैं। ये क्या है, प्लेन मिरर है, ये देखिए प्लेन मिरर है M1 और M2 इसका नाम दे रहे हैं हम लोग, और यहां पर देखिए आपतित किरण पड़ी, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है, और ये क्या है, पॉइंट पॉइंट जो बना रहे हैं हम लोग, अभिलंब है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, N कहते हैं। ठीक है, और जो टकराकर वापस लौटेगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतन कोण हम लोगों को दिया है, कितना दिया है 40 डिग्री। तो हम लोगों ने पढ़ा है एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण हमेशा सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये क्या है, परावर्तन कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन। ये समझ में आ गया है आपको, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये हमारा हिंदी का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोग ने लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ा। आगे भी हम लोग हिंदी में और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। और हाँ, एक बात कि हम लोग इसमें यूपी बोर्ड का ही सिलेबस कवर करने वाले होंगे, तो ये लेक्चर्स, ये हिंदी में आने वाले लेक्चर सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही होंगे। ठीक है, साइंस में हम लोग फिजिक्स और आगे केमिस्ट्री के लेक्चर भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग एक वीडियो अपने सिलेबस पर भी बनाएंगे, किस तरह से हम लोग सिलेबस को कवर करने वाले हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छी नॉलेज हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कैन आई टीच यू।